हमारी समस्या ये है कि हमने ज़मीन खरीद करके रजिस्ट्री करवाई, नामांतरण करवाया, राजस्व रिकॉर्ड में हमारे नाम वो ज़मीन चढ़ गई। उसके बाद नगर निगम हमको बेघर करना चाहती है। पहले 45 मीटर का लगाया उन्होंने निशान कि 45 मीटर यानी 150 फुट, फिर अब 22.5 मीटर का लगाया है। मेरा कहना ये है कि अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी बाईपास के दोनों तरफ सर्विस रोड ही कंप्लीट नहीं कर पाया। ये ज़मीन लेने का क्या उनका मंतव्य है हमारी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये पहले सर्विस रोड कंप्लीट कर लें, उसके बाद अगर ज़मीन की ज़रूरत होगी, आवाजाही में कोई तकलीफ होगी, तो जितनी ज़मीन की उनको ज़रूरत होगी उतनी ज़मीन हम देने को तैयार हैं। शर्त है कि हमको उसका मुआवजा दिया जाए। बिना मुआवजे के हम ज़मीन कोई भी नहीं देगा। देखिए, ये जो लड़ाई है हम सबकी लड़ाई है, ये व्यापारिक और रहवासी गण की लड़ाई है, और इसमें नगर निगम इसमें अन्याय कर रही है कि नगर निगम अपने रुतबे और अहंकारी घमंड कर और प्रशासन को साथ में लेकर जिस तरीके से बाईपास पर तोड़फोड़ करने की जा रही है, ये सरासर गलत है। क्योंकि आप जो कंट्रोल एरिया की दुआई देते हैं, लेकिन आप 21 साल हो चुके हैं बाईपास को कंप्लीट हुए, लेकिन अभी तक सर्विस रोड नहीं बना पाई है, और आप जो कंट्रोल एरिया में बैठे हैं, जिन्होंने अपनी रजिस्ट्री कराई है, अपने मालिकाना हक है, जिन्होंने आपको संपत्ति कर भरा है, नगर निगम ने संपत्ति कर क्यों लिया, पंचायत ने संपत्ति कर लिया, पंचायत ने नक्शे पास कराए, जब बाईपास नहीं निकला था 97 में, जब बाईपास की प्रक्रिया चालू हुई बनने की, उसके पहले के लोगों के पास परमिशन है, पंचायतों ने नक्शे पास किए हैं, उनको भी नहीं मान रहे हैं, और तानाशाहीपूर्ण रवैया के साथ ये जो हटाने का और डराने धमकाने का काम कर रही है प्रशासन, तो इनसे हम आज कमिश्नर साहब से मिलने आए हैं।